नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बरेली प्रॉपर्टीज ऑन वेरी चीप प्राइस। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जो खेत है इसके बराबर में जो बिजली के आप खंभे देख रहे हैं, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बिजली के खंभे भी, और सामने जो बिल्डिंग है ये है डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग। और मेन हाईवे यानी कि दिल्ली रोड से अगर इसकी दूरी की बात करूँ तो वो है समथिंग 4 से 5 किलोमीटर दोस्तों। तो मैं आपको सारी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि खेत के बिल्कुल लगा हुआ एक गांव भी है, यानी कि गांव के बिल्कुल नज़दीक है लगा हुआ। अगर किसी को इस टाइप की कोई रिक्वायरमेंट हुई है जो गांव के बिल्कुल नज़दीक में चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए ज़मीन बहुत बढ़िया है। लाइट है, रोड है, और मेन दिल्ली हाईवे से इसकी जो दूरी है, दिल्ली जो रोड है बरेली टू दिल्ली, उसके जो दूरी है वो है 4 से 5 किलोमीटर दोस्तों। पास में ही मार्केट है। तो अगर आप इस लैंड की पूरी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको पूरी से पूरी जो जानकारी आपको अपनी वीडियो में दे सकूं। तो दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं आपके लिए हर तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ज़मीनों की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। कुछ ज़मीनें जो हैं महंगी भी हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो है आज दोपहर के लगभग समथिंग 11 से 12 बजे का टाइम है जो अब हम चल रहे हैं। तो आज थोड़ा लेट हो गए, तो आपको रोड पर देखने को भी मिलेगा कि आज ट्रैफिक ज़्यादा है। तो आज दोस्तों, कई सारी जो मैंने पिछली वीडियो जो डाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, पता, जो रास्ते में जब हम चलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो मेन मुख्यतः कि लोकेशन पे पहुँचे तो सिर्फ लोकेशन की ही बात होंगी, पर उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कई सारी वीडियो में दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि विजय भाई, ये तो ज़मीन बहुत ज़्यादा महंगी है, और मतलब ये तो इतनी महंगी कौन लेगा। तो सच बात है दोस्तों, मैं कहता भी हूँ कि कुछ ज़मीनें जो महंगी हैं पर वो भी तो सेल हो रही है ना। तो मेरा तो काम है कि मैं उसकी भी जानकारी आप तक पहुँचाऊँ जो शहर के बहुत नज़दीक है, और कई सारे उसमें जो कई सारे फीचर्स या कई सारी चीज़ें हैं जो उस ज़मीन को महंगा कर देती हैं। तो इसलिए मेरा फ़र्ज है कि मैं आपको वो भी ज़मीन की भी आपको पूरी वीडियो पूरी जानकारी आप तक पहुँचाऊँ, और जो सस्ती हैं उन ज़मीनों की भी वीडियो आप तक या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो ये मेरा फ़र्ज है, मेरा काम है। तो मैं आपको हर तरह की वीडियो जो है पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो मगर कुछ लोग कमेंट आते हैं, नहीं भाई तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगी है तुम्हारी, ये नहीं बिकेगी। तो भाई मेरी महंगी, मेरी थोड़ी है, मेरी होती तो फिर मैं ये वीडियो ही क्यों बनाता। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं, और मैं एक बात खास बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी ज़मीन है या कोई भी लैंड है या प्रॉपर्टी है, अगर वो सस्ती है तो उसके पीछे भी कई सारी वजह होती हैं। हो सकता है उसमें कोई दिक्कत हो, लफड़ा हो, कोई वजह हो। अगर कोई महंगी है तो उसके भी कई सारे रीज़न होते हैं। आप सोचें कि कई सारी मतलब महंगी है तो मतलब ये हमें लूट रहा है, ऐसा मैं क्यों लूटूंगा भाई। आपकी सीधी जाकर जो है बात होती है सामने क्लाइंट मालिक से। तो दोस्तों, मेरा जो काम है पूरा जो अब तक सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुँचाना है, आपकी जो डील करानी है, मीटिंग कराना है, उसी बात का मेरा कमीशन होता है। अगर आपको अपनी कोई ज़मीन या लोकेशन या वीडियो कुछ भी, अगर आप लोग को अपना प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो प्लीज़ आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आप मुझे जो है अपनी प्रॉपर्टी की जो है वीडियो सेंड कर सकते हैं, और मैं आप मेरे जो पूरी पूरी हेल्प करूँगा आपकी उस प्रॉपर्टी को सेल करने में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरी जानकारी मैं दे ही चुका हूँ, ये दिल्ली नेशनल हाईवे है। और देखिए, मैं आसपास की वीडियो थोड़ी सी इसलिए बनाकर चलता हूँ कि आपको एक एरिया का एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ वहाँ कैसी मिट्टी है, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट और अदर कंट्री में जो हमारे जो इंडियन हैं, इंडियन भाई वो रहते हैं, तो वो भी हमसे कभी कभी कॉल करते हैं, पूछते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी, वहाँ की आबो हवा, वातावरण, सारी मतलब चीज़ों की वो हमसे जानकारी लेते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इस रास्ते में। तो आसपास जो आप देखेंगे पूरा हरा भरा पूरा क्षेत्र है दोस्तों, डेवलपमेंट देखेंगे, जो भी मुझसे मतलब बन पड़ता है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आप देख चुके हैं, हम लोकेशन पर आ चुके हैं, ये रहपुरा जागीर जो है, रहपुरा जागीर एक गांव है जो कि दिल्ली हाईवे से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, और ये पश्चिमी फतेहगंज में पड़ता है। और इसकी जो कीमत की मैं बात करूँ, कीमत भी दोस्तों बताऊँगा। देखिए सामने डिग्री कॉलेज है,
ठीक है, ये डिग्री कॉलेज है और त्रिलोकी चंद्र डिग्री कॉलेज का नाम है। और पास में रायपुरा जागीर ये देखिए गांव है, लाइट की सुविधा है, वाटर की सुविधा है, रोड है। और इसके जो दोस्तों इसके जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो घर बने हैं इसी के जस्ट आगे डामर पक्की रोड चल रही है, वो भी जो आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी मैं लोकेशन पर हूँ तो वही वहाँ पर अभी जा नहीं सकता। तो जैसे आप ये ज़मीन की ख़त्म होगी वैसे ही आपको वो रोड भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जो खेत देख रहे हैं ये मेड़ है, यहाँ तक इसकी जो सीमा समाप्त होती है। और जो आपने देखा जहाँ पर कुछ लोग खड़े थे उससे आगे खंभा था, ठीक है, जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए खंभा है, वहाँ से इसकी जो है स्टार्टिंग होती है ज़मीन। तो आप देख सकते हैं कि दो रोड इसमें मिल रहे हैं, ये इधर 7.5 बीघे का एक टुकड़ा है, बाकी 2.5 बीघे का टुकड़ा इसका जो है उस मकानों की साइड में। तो आप आसानी से वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं, यहाँ पर अपना मतलब खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ डॉक्टर मेडिकल सारी फैसिलिटीज़ आपको इधर सारी चीज़ें मिलेंगी। और बढ़िया सिटी है बरेली सिटी से मात्र ये जो है 20 किलोमीटर दूर है। मैंने आपको सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों कई बार मेरा नंबर इंगेज जाता है या फिर नहीं मिल पाता, क्योंकि फील्ड में भी होता हूँ तो हो सकता है कि मैं सुबह चार्ज नहीं होता फ़ोन, तो बाई चांस मेरा जो है फील्ड में ही फोन डाउन हो जाता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। तो प्लीज़ आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट अगर कर रहे हो और मिल पा रहा है तो अच्छी बात है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितना चौड़ा चक्रोट है, सामने तालाब भी है, आप एकदम बहुत बढ़िया सा मतलब व्यू ले सकते हैं सामने, देखिए है ना, मैंने पूरा दिखाने की कोशिश की है आपको इसलिए। तो दोस्तों सामने रोड भी है, आपको हर एक सारी सुविधाएं मिलेंगी। और ये देखिए ये उन ये जो मकान आप देख रहे हैं ना दोस्तों, इन मकानों के पीछे ही जस्ट वो ज़मीन है। और ये देखिए डामर रोड है और मार्केट है छोटी सी, और आपको जो इसके पीछे जो है ज़मीन है वो, तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की है। जब आप कभी आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है हर एक चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ पर मार्केट भी है, हॉस्पिटल भी है, और बरेली शहर से ज़्यादा दूर नहीं। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने जो है कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या चीज़ जानकारी चाहिए, और मुझे कॉल कीजिएगा। तब तक के लिए